और भगवान कल्कि को जब 4 साल होगा तब भगवान कल्कि आश्रम बनाए। 4 बरसर बालुत कुमार नित्य लीला करुति। 4 साल में छोटे बच्चे होके प्रभु बाल्य लीला करेंगे, भक्तों के साथ नित्य वैकुंठ का लीला करेंगे। कोई गो माता संतान प्रसव नहीं किया, कल्कि भगवान का हाथ लगेगा तो उनसे सुंदर पवित्र दूध बहेगा, ताकि भक्त लोग जानेंगे ये प्रभु है। बंध्या परोसी वो मारी ले से हाथों गाई कंचा देव खीर विभूति प्रभु का प्रकाश हो ही वो जानी बे अड़पन। अच्युतानंद ने बोले ये सब तत्व सभी भक्तों को नहीं मिलेगा, पर जो सच्चा भक्त है प्रभु के वो देखेंगे वही लीला। जन्म लभिबे गुप तरे थिबे कही नचिन्हिबे नर, भक्त मानन को अदृश्य होइबो कहार नथिबो ज्ञान। सभी भक्त लोग उस समय अज्ञान हो जाए, धर्म का ध्वजा नहीं रहेगा। खंडगिरी पर भगवान का लीला प्रकाश होगा, महिमा प्रकाश हो। उसी समय हर उद्यान रे माया प्रकाशिव मृक्षों को ग्रासुते थिबो, मृक्ष लोग पाप और करते जाएंगे। नीला चक्रु बना झड़ी व निश्चय, उसी समय नील चक्र से बार बार ध्वजा गिरेगा और उसी समय मालिका का प्रचार होगा और भक्त लोगों को भगवान ढूंढेंगे, मेरे भक्त कहाँ है उसको उद्धार करो। फिर उद्धव चौतीसा में कृष्ण और उद्धव की विचार हो रहा है। उद्धव चौतीसा में जगन्नाथ दास प्रमाण कर रहे केशव कहंती सुने उद्धव किंकट नग्रटी जानो कल्कि अवतार हेबु सेठारे लोहित आम्भर वर्ण। खंडगिरी स्थान गुपते प्रमाण ख्यात बट अच्छी जही क्षीर धार पुणी गण्डुकी संगम उदय होइबी मुही अनंत जे देव गोपाल मूर्ति उदय जीवन स्थान गुप्त खंडगिरी ताहकु जानिबू सेठारे प्रभु आश्रम। यानी भगवान कल्कि आश्रम करके रहेंगे खंडगिरी के नीचे, ये अच्युतानंद ने लिख दिए और बोले वहीं पर खीर समुद्र और गंडक नदी का संगम है, उसी पहाड़ी का नीचे भगवान कल्कि आश्रम बना के रहेंगे, उद्धव को बता रहे हैं भगवान कृष्ण। फिर अच्युतानंद ने शिव कल्प में लिखे है भक्त मानन को पाई लीला प्रकाशी व गुपत भक्तों को पाई महिमावासी। जो भक्त है ना वो प्रभु के साथ लीला में भाग लेंगे, आना जाना लगते रहेगा, दर्शन करते रहेंगे, मिलन रहता रहेगा, बातचीत होता रहेगा। जो गुप्त भक्त यानी सेकंड लाइन का जो भक्त है उनको महिमा का महक आएगा। अरे वो उनका घर जा रहे हैं प्रभु को दर्शन करने के लिए, कहीं हम तो जाएं, ऐसे वासना आएगा गुप्त भक्त के लिए महक है। और उसी समय देवगण मिली है खंडगिरी ठारे, सारे देवताओं को भगवान कल्कि खंडगिरी को बुलाएंगे रोज, और रोज देवताओं के साथ भगवान कल्कि सभा में बैठेंगे, सभी लोग देख नहीं पाए। और उसी जगह पर माता भैरवी की रूप में बार भुजा देवी है, जो तप साधना में है, मनुष्य लोगों का रक्त को पान करने के लिए ये भी लिखा है। कोई पर खंडगिरी पर बार भुजा, एक माता का बार भुजा, वो माता काली का तपस्या में है, अच्युतानंद ने उसको लिखी। किसके लिए? ना असुरों का रक्त को पान करने के लिए अभी भी तपस्या में है, जब प्रभु निर्देश देंगे रोग बीमारी से फैल जाए के लोगों को मरते जाए। चहटी वो लीला तो 11 दिवस खंडगिरी पर्वत रे प्रभु पितवास। 11 दिन आखिर कल की लीला होगा और उसी स्थान पर उड़ीसा राज्य रो खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध हुई हो। चक्रधरी प्रभु अनंत किशोर मृक्ष गण विनाशी अस्वस्थमा शल्य संगत रे थिबे निज क्षेत्रीभूति धरी। और भगवान के साथ अस्वस्थमा और शल्य दोनों उसी समय रहेंगे। 14 लाख मुस्लिम सैन्य के साथ भगवान कल्कि का युद्ध खंडगिरी में हो, और उसी समय प्रभु चक्र को बुलाएंगे, क्योंकि इतने लोगों को लड़ना जरूरी नहीं तो चक्र को बुलाएंगे कल। तो एक साथ 14 लाख विदेशी सैन्य वहीं पर मरेंगे, धर्म का स्थापन प्रभु। खंडगिरी रे गुप्त स्थान सेठारे पादुका आश्रम रत्न पादुका अच्छी तही उद्धव ने वो जोगोध्याय। अच्युतानंद ने बोले उद्धव आके खंडगिरी से भगवान से रत्न पादुका प्राप्त करेंगे। सांडीपनि ऋषि उड़ीसा में जन्म होके भगवान कल्कि के भक्त बनेंगे, यह भी रचना है। वो मानव तनु में हो चुके हैं। बालवीर पांच अभिमन्यु घटचकोच बेलाल सेन बब्रुभान एकलव्य जो खाटू श्याम महाराज, वो भी मानव तनु में जन्म होके प्रभु उनको निर्देश देंगे, उनको कला शक्ति देंगे, जाके पाकिस्तान चाइना अमेरिका के साथ लड़ो। एक एक धनुर में 100 संख्या को नीचे गिरा देंगे, ये भी अच्छा लिखा।